गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर सेकेंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोवा अ टूरिस्ट पैराडाइज नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइज पैराडाइज मींस हेवन हेवन मींस स्वर्ग ठीक है सो अ टूरिस्ट पैराडाइज टूरिस्ट मीन्स ट्रैवलर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना घूमने के लिए ट्रेवलर्स गोवा अ टूरिस्ट पैराडाइस सो पेज 22, टू ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेस इज ऑलवेज एक्साइटिंग एंड एजुकेटिव जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं न्यू प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें ये एक तो ये एक्साइटिंग होता है और एक एजुकेटिव भी होता है एजुकेटिव कैसे होता है हमें नॉलेज हो जाती है उस प्लेस के बारे में राइट लेट अस फाइंड आउट हाउ शरत आनंदी एंड देयर पेरेंट्स एंजॉयड अ वेकेशन इन गोवा अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे के शरत आनंदी एंड देयर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने गोवा में वेकेशन कैसे एन्जॉय की दे केम टू नो मच अबाउट द पीपल एंड देयर कल्चर ड्यूरिंग द ट्रिप उन्होंने वहां के कल्चर और लोगों के बारे में इस ट्रिप में जाना सो so, शरद बिल्ड अ ब्यूटिफुल सैंड कैसल ऑन द बीच एज हिज पेरेंट्स वॉचड फ्रॉम अ डिस्टेंस शरद ये बॉय का नाम है ये जो पिक्चर है ना इसमें बॉय का नाम है शरद और वो बना रहा है एक ब्यूटिफुल सैंड कैसल सैंड के साथ एक कैसल बना रहा है बना रहे हैं ना पिक्चर में और उनके जो पेरेंट्स है वो दूर से देख रहे हैं उनको कि वो क्या कर रहे हैं हिज सिस्टर आनंदी तो उसकी जो सिस्टर है वो भी साथ में बैठी हुई है पिक्चर में ठीक है तो वो उसकी हेल्प करती है डेकोरेट करने में कैसल को और वो किससे कर रहे हैं ये डेकोरेट शेल से द कैसे टावर्स एंड हाई वॉल्स कैसल की उन्होंने थ्री टावर्स बनाए हैं और हाई वॉल्स बनाई हैं ऊंची ऊंची वॉल्स बनाई हैं एंड द हॉरीजोन दटिंग सन लुक्ड लाइक अ ग्लोइंग गोल्डन बॉल कहते कि हॉरीजोन पे हॉरीजोन क्या होता है जहाँ पे जो लैंड uh, है और स्काई है हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं ना वो जो मिलते नहीं है एक्चुअली हमें दिखाई देता है कि वो मिल रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है सन डूब रहा है सेटिंग सन सन डूब रहा है और उसके बाद ग्लोइंग गोल्डन बॉल और ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्लोइंग शाइनी सी गोल्डन बॉल जो है वो नीचे जा रही है द सन रेज टर्न एवरी थिंग गोल्डन जो सन की रेज है उसने सब कुछ गोल्डन कर दिया है एंड द वेव लैश ऑन द शोर टच दियर फीट और जो वेव्स हैं उनके पास आके उनके फीट को टच कर रही हैं। मनोहर एंड कल्याणी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप टू गोवा फॉर टू विद विदर चिल्ड्रन मनोहर एंड कल्याणी इन दोनों जो बच्चे हैं उनके जो मम्मी पापा हैं मनोहर एंड कल्याणी वो बहुत देर से गोवा का टू ईयर्स से गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे थे अपने बच्चों के साथ शरद एंड आनंदी के साथ दिस वॉज द फैमिलीज फर्स्ट हॉलीडे ऑन अ सी बीच ये इस फैमिली की फर्स्ट हॉलीडे हॉलीडे थी एक सी बीच पे द सन किस्ड बीचिस सन किस्ड बीचिस मीन्स जिन बीचेस को सन uh, की रेज भी मिल रही हैं ठीक है रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज और ये जो बीचेस हैं वहां पे कोकोनट ट्रीज की रोज बनी हुई है रोज मीन्स लाइनें बनी हुई हैं अलोंग दैम एंड द वास्ट अरेबियन सी और गोवा के साथ क्या लगता है अरेबियन सी मेक गोवा अ परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट और ये सब चीजें मिलके गोवा को एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बनाती हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ दे कुड सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बागा बीच उन्होंने देखा कि बागा बीच पे कुछ जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं वो प्ले कर रहे हैं वाइल सम टूरिस्ट वर सन बादिंग तो कुछ जो टूरिस्ट है वहां पे घूमने आने आए हुए हैं वो सन बेदिंग कर रहे हैं सन बेदिंग क्या होती है सनलाइट में जब हम आ, बात लेते हैं अब हमारी बॉडी को सन रेज भी तो चाहिए होती है ठीक है कुछ लोग पानी में अः बे, बेदिंग लेते हैं और कुछ सन के आगे ऐसे बैठ के सन रेज ले रहे होते हैं अ फ्यू पीपल वर्स स्विमिंग इन द सी और कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे सी में आनंदी सडनली पोल्ड शरत टी शर्ट एंड सेड आनंदी ने सडनली अचानक से शरद की टी शर्ट को खींचा एंड शी सेड लुक टू बोट्स आर कमिंग टूवर्ड्स द शोर वो देखो टू बोर्ड्स हम सी uh, शोर पे आ रही हैं दे आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वेव्स और जो वो बोट्स हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं पानी में ऐसे अप एंड डाउन करके ऐसे मूव होती हैं बोट्स राइट शरत एंड कल्याणी टर्न टूवर्ड्स द बोट्स मनोहर स्माइल्ड शरत और कल्याणी बोट्स की तरफ आते हैं एंड मनोहर जो है उनके पापा वो स्माइल करते हैं और क्या कहते हैं दोज आर फिशरमैन हु गो आउट इन दियर बोट्स टू कैच फिश तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो फिशरमैन हैं जो फिश को पकड़ने के लिए जा रहे हैं दे कास्ट देर नेट टू कैच क्रैब्स प्रॉन्स लॉब्सटर्स एंड वेरियस काइंड ऑफ फिशेस वो क्या करते हैं वहां पे अपना नेट थ्रो करते हैं कास्ट नेट मीन्स थ्रो द नेट नेट थ्रो करते हैं और क्या क्या वहां से लेके आते हैं क्रैब्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स एंड वेरियस काइंड ऑफ फिश ये सारे सी एनिमल्स हैं यू कैन गूगल इट ऑन गूगल इट एंड सी वॉट आर क्रैब्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स, ठीक है यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ क्रैब्स प्रॉन्स लॉबस्टर्स एंड देन दे कम बैक एंड सेल दम और वापिस आके वो इनको बेच देते हैं

कल हम अंजुना कैंडलिम एंड कैलेंगीट बीच जाएंगे वी विल ऑल्सो विजिट सम चर्चेज हम कुछ चर्चेज में भी जाएंगे घूमने वी विल गो टू द बेसिलिका ऑफ बोम जीसस इन ओल्ड गोवा हम बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ओल्ड गोवा में भी जाएंगे एंड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी तो चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी वहां पे भी जाएंगे लेटस गो बैक टू द होटल एंड टेक सम रेस्ट नाउ तो वो क्या कहते हैं अब हम होटल जाते हैं और वहां पे कुछ रेस्ट कर लेते हैं लेटर द फैमिली हैड अ क्वाइट डिनर एट द होटल तो फिर वो सारी फैमिली ने एक अच्छा सा डिनर किया होटल में

फिर डिनर के बाद वो अपने अपने रूम्स में चले गए शरद एंड आनंदी सैट नेक्स्ट टू दियर पेरेंट्स ऑन द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप शरत एंड आनंदी अपने पेरेंट्स के सामने बेड बैट पे बैठे होते हैं अप सोने से पहले शरद आस्ट क्यूरियसली शरत ने बहुत ही क्यूरियस क्यूरियस मीन्स ईगरनेस टू नो कुछ जानने की जब बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना ईगरनेस होती है दैट इज कोल्ड क्यूरियसली ठीक है क्यूरियसली उसने पूछा के फादर टेल मोर अबाउट गोवा की गोवा के बारे में हमें और भी बताइए मनोहर सेड तो उनके पापा बोलते हैं गोवा इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा एक्चुअली क्या है पूरे इंडिया का स्मॉलेस्ट एरिया है स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज एंड द फोर्थ स्मोलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे अकॉर्डिंग देखें कि वहां पे लोग कितने रहते हैं तो नंबर फोर पे है गोवा ठीक है नंबर वन है एरिया वाइज जितना उसका एरिया है और नंबर फोर पे है अगर हम देखें उसकी पॉपुलेशन इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी ये वेस्टर्न कोस्ट में है इंडिया के जहां पे अरेबियन सी भी है जो इसके साथ लगती है इट इज रिनाउंड फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीच रिनाउंड मीन्स फेमस ये फेमस क्यों है गोवा इसके ब्यूटिफुल बीच के लिए टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्लोक हेयर फॉर एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस टूरिस्ट ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे क्यों आते हैं अलग अलग कंट्रीज से भी यहाँ पे आते हैं क्यों आते हैं यहाँ के अनफॉर्गेटेबल कभी ना बोलने वाले मेमोरेबल मेमरेबल मोमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं जो हमेशा उनको याद रहे पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा गोवा की कैपिटल क्या है पणजी द अदर इंपोर्टेंट सिटी इज मरगाव मरगाओ एनदर कंट्री है जो बहुत यहाँ की एनदर uh, सिटी है जो बहुत यहाँ की फेमस है इज ऑल दिस इंटरेस्टिंग द चिल्ड्रन नो डेड यस फादर फिर उसके फादर पूछते हैं कि ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो सभी दोनों बच्चे कहते हैं कि येस इट इज ये इंटरेस्टिंग है देन नेक्स्ट पैराग्राफ आनंदी लिस्न कीनली एज कल्याणी फॉर्दर एडिट आनंदी बहुत ध्यान से बहुत ईगरली एक्साइटेडली सुन रही होती है और कल्याणी उसकी जो मदर होती हैं उनकी जो मदर होती हैं वो बोलती हैं दिस प्लेस इज रिच इन फ्लोरा एंड फोना एज इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न गार्ड रेंज कहते कि ये जो प्लेस है अपने फ्लोरा एंड फोना के लिए बहुत बहुत ही फेमस है फ्लोरा मीन्स प्लांट्स फोना मीन्स एनिमल्स अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ये बहुत फेमस है और क्योंकि ये वेस्टर्न गार्ड रेंज पे है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट गोवा हैज अट्रेसी रेट ऑफ एटी सेवन परसेंट कहते कि तुम दोनों बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि गोवा की लिटरेसी रेट कितनी है 87 सेवन परसेंट इट मीन्स अगर वहां पे हंड्रेड पीपल है तो उनमें से एटी फाइव परसेंट जो है वो एजुकेटेड है लिटरेसी रेट मीन्स नंबर ऑफ पीपल एजुकेटेड ठीक है तो इट मीन्स हंड्रेड में से एटी सेवन इट इज क्वाइट गुड यर मोस्ट ऑफ द मैन एंड वीमेन आर लिटरेट यहाँ के बहुत मोस्टली uh, जो पीपल हैं वो लिटरेट है एजुकेटड है कोंकनी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हेयर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है कोंकनी मराठी हिंदी एंड पोर्तुगीज आर ऑल्सो स्पोकन बाई पीपल और यहाँ के लोग मराठी हिंदी एंड पोर्तज लैंग्वेज भी बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकनी मराठी हिंदी पोर्तुगीज बी लैंग्वेज ये पीपल यहाँ के बोलते हैं सो यू कैन लर्न कोंकनी हियर चिल्ड्रन तो ऐसे ही मजाक में उनके ममा बोलते हैं कि आप यहाँ पे कोंकनी भी सीख सकते हो शरत एंड आनंदी लोग कन्फ्यूज तो अपने मम्मा की ये वाली बात सुन के शरत एंड आनंदी बड़े कन्फ्यूज से हो कन्फ्यूज का फेस बना लेते हैं बट हाउ कैन वी लर्न इट इन टू डेज तो ऐसे पूछते हैं वो कि ममा हम टू डेज में कैसे ये लर्न करेंगे ये कॉन्कनी लैंग्वेज कल्याणी सेड इट वॉज नॉट सीरियस कि वो सीरियसली नहीं बोल रही थी वो मजाक कर रही थी आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल इन टू डेज़ वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है टू डेज में नाओ गो ऑफ टू स्लीप अब आप जाओ जाके सो जाओ वी हैव टू विजिट मेनी प्लेसेस टू टमोरो हमने कल हमने बहुत सारे प्लेसेस विजिट करने हैं नेक्स्ट डे द फैमिली हायर अ कैब तो नेक्स्ट डे ये फैमिली एक कैब हायर कर लेती है हायर मीन्स रेंट पे ले लेती है एक टैक्सी एंड विजिटेड द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा पुरानी पुरान ये जो गोवा है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है ओल्ड गोवा एंड न्यू गोवा तो ओल्ड गोवा जो है वहां पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च तो वो पहले वहां पे जाते हैं शरद सेट टू हिज फादर शरद अपने पापा को बोलता है वाई डू सो मैनी पीपल कम हेयर कि यहाँ पे तो बहुत रश है क्यों यहाँ पे मोस्टली पीपल आ रहे हैं लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं मनोहर पेशेंटली आंसर्ड जो उसके पापा होते हैं वो बड़े प्यार से बड़े आराम से उनको आंसर करते हैं वेल इट होल्ड्स द मोटल रिमेन ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियो रिगार्डिड एज द पैट्रन सेंट ऑफ गोवा तो वो क्या कहते हैं कि ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे जिनको हम पैट्रन सेंट ऑफ गोवा गोवा के uh, बहुत अ ओल्डेस्ट सेंट मानते हैं उनके उनका जो मोटल रिमेन उनके जो आफ्टर uh, फ्यूनरल जो भी रिमेन्स बच जाते हैं बच जाता है अंतिम संस्कार के बाद जो जो भी मतलब जो जैसे क्रिश्चियंस हैं वो uh, जो डेड बॉडी है उनको दबाते हैं ना तो वो जो है ना वो रिमेन जो है वो यहाँ पे है ठीक है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस तो इसलिए वो जो वहां के लोग हैं वो इसको बहुत ही उनकी रिलीजियस वैल्यूज इसके साथ है अटैच तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आते हैं मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं जिनको इसकी हिस्ट्री पता है ना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की तो इसलिए वो ज्यादा लोग इस चर्च में आते हैं दे एंड ऑल्सो विजिटेड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी तो उन्होंने कैंडल्स वहाँ पे जलाई और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी वहाँ पे भी गए वो चर्च उस चर्च में भी घूमने गए बाय आफ्टरनून दे रीच द कैलेंगीट बीच तो आफ्टरनून में वो कैलेंगीट बीच चले जाते हैं दे लुकड अ दे टुक अ डिप इन in the sea and the children splash water on each other wo sea mein ja ke ek dip lete hain ek dusre ke upar aur water splash karte hain ek dusre pe pani dalte hain later they had some fried fish and sana from a shack फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक fried fish ली sana sana क्या होता है ड्राई राइस केक राइस से बना हुआ केक होती है वहां की एक डिश वो वहां से लेते हैं और कहाँ से लेते हैं फ्रोमा शेक शेक में शेक का मतलब है यहाँ पे अ स्मॉल शॉप एक छोटी सी शॉप पे सैना एंड फ्राइड फिश लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ दे ऑल्सो विजिटेड द कैंडिम बीच तो वो कैंडोलिन बीच पे भी घूमने जाते हैं दे वर अमेज टू सी टूरिस्ट इन्जॉइंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग एट द सिक्वेरियम बीच तो उसके बाद वो बहुत अमेज हुए बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं बड़े हैरान से हो जाते हैं वहां पे टूरिस्ट को देख के क्योंकि वो सारे टूरिस्ट क्या कर रहे होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वाटर सर्फिंग वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग वाटर सर्फिंग क्या होती है वाटर सर्फिंग में हम एक बोर्ड लेके सर्फ बोर्ड होता है ऐसे एक प्लास्टिक का बोर्ड सा बना होता है शरत और अनन... इस पिक्चर में शरत एंड अनदी के पीछे देख रहे हो एक वेव बनी हुई है और वेव के ऊपर एक फ्लैट बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा बच्चा कर रहा है इसे कहते हैं वाटर सर्फिंग नेक्स्ट इज वाटर स्कीइंग अब वाटर स्कीइंग में क्या होता है हम मोटर बोट के साथ पानी में जाते हैं स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग क्या होती है पानी के अंदर जब हम स्विमिंग करते हैं अंडर वाटर स्विमिंग पैरासेलिंग पैरासेलिंग क्या होती है पैराशूट के साथ हमें हवा में ऐसे छोड़ देते हैं वायर सी लगाई होती है उन्होंने बोर्ड के साथ तो हवा में ऐसे पैराशूट के साथ हम उड़ते हैं सो दिस दीज़ ऑल आर वाटर स्पोर्ट्स ये वो ये वाटर स्पोर्ट्स वो कहाँ पे करते हैं सिंक्वेरियम बीच में नेक्स्ट मनोहर एंड कल्याणी एंजॉय पैरासीलिंग शरत एंड आनंदी क्लैब्ड वेन देअर पेरेंट्स वर लिफ्टेड अप इन द एयर तो मनोहर एंड कल्याणी पैराशूट के साथ पैरा सेलिंग करते हैं तो शरत एंड आनंदी क्लैप करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जब वो लिफ्ट हो रहे होते हैं एयर में वेन दे लैंडेड द चिल्ड्रन वेंट ऑन वाटर स्कूटर तो जब वो लैंड करते हैं नीचे आते हैं उनके पेरेंट्स तो जो ये शरत एंड आनंदी होते हैं ये दोनों वाटर स्कूटर पे चले जाते हैं वाटर में इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक्स ऑन द सी वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हम मोटर बाइक पानी पे चला रहे हैं सी में चला रहे हैं देवर वेरी हैप्पी वो बहुत खुश होते हैं ये वाला एक्सपीरियंस लेके नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन देअर वे बैक टू द होटेल दे सो ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स प्लेइंग फुटबॉल ऑन द बीच एंड इन ओपन ग्राउंड जब वो होटल की तरफ वापस आ रहे होते हैं उन्होंने देखा कि ग्रुप ऑफ यंगस्टर यंग यंग बच्चों का ग्रुप देखते हैं यंगस्टर का ग्रुप देखते हैं वो क्या कर रहे होते हैं फुटबॉल प्ले कर रहे होते हैं बीचेस पे ओपन ग्राउंड्स में मनोहर सेड तो उनके पापा उनको एक्सप्लेन करते हैं फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा कि फुटबॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है गोवा में द मेन फुटबॉल स्टेडियम इन द इज द नेहरू स्टेडियम इन मरगांव मरगांव में एक बहुत फेमस फुटबॉल स्टेडियम है दैट इज नेहरू स्टेडियम इन मरगांव मैनी क्रिकेट मैचेस आर ऑल्सो प्लेड दियर बहुत सारे कहते हैं क्रिकेट मैचेस भी यहाँ पे हुए हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट चर्ब्ड शरत तो ये वाली बातें सुन के शरद क्या कहता है स्माइल करके कहता है कि आ, उसे भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है दे ऑल्सो विजिटेड फोर्ट अगवाडा बिफोर रिटर्निंग टू देअर होटल तो वो फोर्ट अग्वाडा वहाँ पे भी जाते हैं होटल में पहुँचने से पहले वो फोर्ट एग्वाडा भी जाते हैं दे बोट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसेज मेड ऑफ सी शेल्स एज सोवन इर्स तो वो वहां से क्या क्या लेते हैं की चेन्स लेते हैं डेकोरेशन मटीरियल लेको पीसेस लेते हैं और डेकोरेशन पीसेस किससे बने होते हैं सी शेल से और वो ये सारी चीजें क्यों लेते हैं एज अ सोवन ईर्स नाउ सोवन इर्स क्या होते हैं ऐसी चीजें थिंग्स दैट रिमाइंड पीपल ऑफ सम प्लेसेज सम प्लेस और इवेंट हम जब भी घूमने जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना अपनी मेमोरी रखने के लिए कि हमें रिमाइंड करवाई ये वाली चीजें कि हमने वहां से ली थी राइट तो ये होती हैं ऐसी चीजें जो हम घूमने जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं ना ठीक है वो वाली चीजें होती हैं सोवनीस एज अ सोवनीस एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड बिफोर दे वेंट टू बेड तो नाइट में क्या होता है के सभी वो सारे बैग पैक कर लेते हैं अपने बेड पे जाने से पहले कल्याणी सेट गुड नाइट टू वी विल बी बैक होम तो उनकी मदर बोलती हैं कि अभी गुड नाइट और कल हम घर घर की तरफ जाएंगे एवरी वन स्माइल्ड एंड सेड यस तो सभी कहते हैं कि हाँ यस हम जाएंगे मनोहर सेड गुआंस आर चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल तो उनके पापा क्या कहते हैं कि गुआंस गुआंस मीन्स गोवा में रहने वाले लोग गुआंस जो हैं बहुत चेयरफुल एंड फ्रेंडली लोग हैं We came to know a lot about the people and culture of Goa। यहाँ पे हम हमें आके यहाँ के लोगों के बारे में और कल्चर के बारे में बहुत पता चला है We should respect all this। और हमें उनकी इस चीज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए आई लव दिस प्लेस और वो कहता है कि मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगा है सो so,